हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? सॉरी, आज का व्लॉग जो है वो हिंदी में बनेगा। और अभी हम आज हैं संडे और अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह बेंच लेने। हमारी सोसाइटी का जो बेंच हमें लेना था, काफ़ी समय के बाद ये दिन आ गया है कि हम जा रहे हैं बेंच लेने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं कार में और हमारे साथ हैं प्रभात भाई और अनिल ब्रह्मट, जो हमारे कमेटी मेम्बर्स हैं हमारी सोसाइटी के। हम पहुंच गए फिटनेस कॉर्नर में। तो अभी हम यहां से लेंगे बेंच। यहां काफी सारे इक्विपमेंट हैं। इसमें अभी इसका स्ट्रेंथ हमको देखना है। जैसे कि ये जो जाता है दोस्तों, ये पूरी मल्टीपर्पज़ के लिए ये ऐसे निकाल सकते हैं या और ये प्रेशर कल के लिए इसे डाल सकते हैं अपने या तो ऐसे ये फिक्स किया जाता है। वेरी गुड। हाँ, प्रेशर कल कर सकते हैं। यहाँ से हमने बेंच फाइनल कर लिए और कल यहाँ से डिलीवरी आ जाएगी हमारे जिम तक। तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हमारे सोसाइटी में वापस आ गए हैं और ये बेंच की डिलीवरी होगी कल, क्योंकि स्टाफ ने बोला कि स्टाफ नहीं है। अभी स्टाफ ही बोल रहा है कि स्टाफ नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर वो चाहता तो यहाँ कर इंस्टॉल कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब कल के लिए कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे भी अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा इंतज़ार तो होता ही। तो धीरज के फल मीठे होते हैं ऐसा सुना था। कल कब आता है वो पता नहीं, तब वो मुझे बाहर भी नहीं मैं जाऊँगा। तो चलो कल के लिए कल तक इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी वृष्टि कर रही है कंबाइंड स्टडी विद हर फ्रेंड। से हाय। हाय कर प्रियल। ये क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं तो वृष्टि देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं क्या बोल रही है। बच्चे शर्मा रहे, देखो मैं नहीं शर्माती। अरे तू तो महा खतरनाक इंसान है। नहीं कल आप मेरी एग्जाम लिख दोगे ना? किस खुशी में? खुद का काम खुद करना चाहिए बस। अरे ऐसे नहीं, मेहनत करके फिर दूसरों पर ढो दोगे कि भाई आप मेरा काम कर दो, तो ये कैसे चलेगा, है ना? अरे लेकिन पापा को बेटी की मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए, पढ़ा रहा हूँ ना तुझे, ये मदद ही तो है। हाँ, लेकिन एग्जाम भी लिख देने चाहिए ना। हर फिर फेड़े तो फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर पचाने के लिए फिर मुझे बोलोगे पचा दो मेरा। नहीं, तो ये वो तो मैं खुद ही करूंगी। बट ना इतना भी क्यों, सांस ले रही उतना ही बहुत हो गया। नहीं तो सांस लेने भी आलस आती होगी ना तेरे को? तो नहीं, मेरे को आलस नहीं आती। तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो और खुद का काम खुद करो। ए प्रियल, मुड बता, चल दारू जो। अभी दीपा बना रही है पालक की सब्जी। बस ये खाने से आप अपनी एज को डिले कर सकते हो, मतलब लंबे समय तक यंग रह सकते हो। ये ऐसी पांच चीज़ें हैं, कौन कौन सी दीपा बता दे चल। एक पालक, एक अनार और दूसरा पपाया, पपाया और घी और लाचमन, ग्रीन टी। हाँ, तो आप ये सब खाइए, तंदुरुस्त रहे और आपकी एज लंबे समय तक दिखेगी नहीं अगर ये सब खाओगे। और ये विंटर सीजन ही ऐसी होती है जो आप सब कुछ खा सकते हो। काफ़ी कुछ मिलता है अच्छा अच्छा खाने के लिए, पर पेट मजे से खाओ। फिर गर्मी आ जाएगी तो वहाँ तो उस टाइम तो भूख भी नहीं लगेगी आपको। सो अभी जो भी न्यूट्रिशन वाला पौष्टिक है कहने के लिए, लेकिन खा सकते हो जितना भी है। नहीं बराबर।
और दोस्तों मेरे सभी वीडियो हिंदी में या तो सभी वीडियो गुजराती में ऐसा नहीं आएगा, ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा, कभी गुजराती कभी हिंदी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो नॉन गुजराती है, जिनको गुजराती नहीं आती, तो उनके लिए हिंदी भी बनाना पड़ेगा और गुजराती व्यूअर्स के लिए गुजराती भी बनाना पड़ेगा, तो दोनों चलता रहेगा और काफ़ी दोनों भाषाएँ सिमिलर हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद, है ना। तो भूख भयंकर लग रही है और खाना अभी बन रहा है और बेंच के लिए हमने बोल दिया और वो कल आएगी और किस वक्त आएगी वो पता नहीं है, लेकिन ये बेंच आ जाएगी तो हमारे जिम के मेंबर्स बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पुरानी बेंच थी वो टूट गई बेचारे और RIP हो गया है, तो कल आएगी। मैं भी एक्साइटेड हूँ, जिम मेंबर्स तो होंगे ही, कल आएंगे तो मतलब कल जब भी बेंच आएगी तो हंगामा होने वाला है, बहुत ही सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में ये सोसाइटी जो है हमारा घर जैसा है कि सब खुद का अपना मानते हैं और जो भी चीज़ नहीं आती तो खुश होते हैं, बाकी प्रोफेशनल जिम्स में ऐसा नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अभी शाम नहीं रात हो चुकी है और अभी बजे हैं 9 बज गए हैं। अभी हम मोस्टली हम रात को खाना नहीं खाते, बस कभी कभार खा लेते हैं, अदरवाइज़ हम जल्दी खा लेते हैं या तो फिर दूध या लिक्विड कुछ भी ऐसा हो तो सलाद, ये सब से हम चला लेते हैं, क्योंकि सोने खाने और सोने का 3 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए, वरना अभी हम रात को खाएंगे तो पूरा मतलब खाना सड़ेगा और फिर चर्बी में कन्वर्ट होगा, तो इससे अच्छा है हम रात को खाते ही नहीं तो पेट वेट अंदर रहता है इससे। तो अभी ये बन रहा है दूध, कल से इसकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है और एक वीक तक चलेगी नेक्स्ट मंडे तक, यू नो। तो अभी ये सुबह से कंटिन्यू पढ़ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए ताकि सिर दुखने लगे और आपको कुछ ये सब दिमाग के ऊपर से ही जाए, है ना। तो लिमिट में पढ़ो और समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो बस, ताकि समझने से मैथ्स में रट्टा नहीं होता, जनरली दूसरे सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ, है ना। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो तभी आएगा, लेकिन इतना ओवर मत करो कि फॉर्मूला ही भूल जाओ फिर यार ये तो मैंने किया हुआ था, याद नहीं आ रहा क्या था, ये नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी करो दिमाग से अच्छे से शांति से। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, अंत करते हैं, शायद ये व्लॉग छोटा बना होगा, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली व्लॉग डालूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।